हेलो बच्चों, मैं हूं सुशील और मैं स्वागत करता हूं लर्निंग फाइव पर। और आज की वीडियो में लाया हूं यूपी बोर्ड सिलेबस का, जिसमें आपको मैं बताऊंगा अकाउंटेंसी बही खाता लेखा शास्त्र के बारे में। कितना सिलेबस आपका 2022 और 23 में आएगा और कितना नहीं आएगा। चलिए चलते हैं आपके सिलेबस की ओर। तो बच्चों, आज की वीडियो मैं आपकी 12th के लिए लाया हूं, जिसमें आपका लेखा शास्त्र के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिसमें 2022 और 23 में आपके सिलेबस में क्या चीजें आएंगी और क्या नहीं आएंगी। जिसमें से आपका, देखिए यहाँ पे जो सिलेबस में क्या आएगा नहीं आएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं और उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं, जिसमें आपको उस सिलेबस के बारे में बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बेटा, अपनी बुक्स निकाल कर रख लो या अपने पास नोट करके रख लो, जो सिलेबस आपका 70% आएगा एग्जाम में। और मैं आपको इस सिलेबस में उन चीजों पे फोकस करूंगा जो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा, ये आपका लेखा शास्त्र का सिलेबस दो पार्ट में बना दिया गया है, एक और दो। एक पार्ट में आपसे एमपीओ का चैप्टर और पार्टनरशिप, दो टॉपिक हैं जिनको एग्जरेट करके ग्रुप वाइज बना दिया गया है, ठीक है। और दूसरा आपका कंपनी से रिलेटेड कर दिया गया है, ठीक है, कैश फ्लो का बना दिया गया है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका जो पहला टॉपिक दिया गया है वो आपका दिया गया है पहले पोर्शन में आपका अलाभकारी संस्थाओं के लेखांकन, ठीक है। तो इसमें आपको इंग्लिश बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों, यहां पे आपके पास जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, आपका यहां पे जो एनपीओ का पोर्शन है, ठीक है, इसमें आपको अर्थ, विशेषताएं, अभिलेखों का लेखा शास्त्र, ठीक है, ये आपके थ्योरी के पोर्शन है। इनमें आपको तैयारी करनी लिखने की और पढ़ने की, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, या इसमें थ्योरी कैसे लिखी जाएगी ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तैयार करना है वो है आपका प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और तुलना पत्र, इसे बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब प्राप्त भुगतान खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय व्यय खाता आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तुलना पत्र या बैलेंस शीट। तो ये तीन चीजें आपकी तैयार की जाएंगी, जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का बेटा टॉपिक बहुत बड़ा है, जिसमें हमारे पास इन्होंने सिर्फ दो चीजों को प्लस किया गया है, क्या, एक इंट्रोडक्शन और एक एडमिशन, ठीक है, प्रवेश नए साझेदार का। तो इसमें बेटा जो आपका दिया गया है उसमें थ्योरी का पोर्शन क्या है साझेदारी में, देखिए इसमें साझेदारी में दिया गया है पार्टनरशिप में आधारभूत अवधारणाएं, जिसमें साझेदार का प्राकृतिक, विशेषताएं, विलेख, साझेदारों के पूंजी खातों का अनुसरक्षण, लाभ विभाजन एवं पूर्व समायोजन अंतिम लेखे। तो बेटा, ये जितना भी पोर्शन दिया गया है थ्योरी का दिया गया है, और इसमें जो अंतिम खाते दिए गए हैं बस ये यही ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके अकाउंट मेंटेन करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो टॉपिक दिया गया है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है, कैसे, जब भी कोई पार्टनर यहां पे अपने फर्म का साइज चेंज करता है तब साझेदारी का पुनर्गठन करते हैं, या गुडविल का वैल्यूएशन चेंज किया गया है, प्रॉफिट चेंज किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी का पुनर्संगठन कर दिया जाता है। इसके ऑप्शन में प्रवेश, जब कोई नया साझेदार आता है तो फर्म का साइज, पोजीशन और बैलेंस शीट, हर एक चीज पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो वहां पर भी इन चीजों का प्रिपेयर करते हैं। किन चीजों का करते हैं वो बेटा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब साझेदारी संगठन का साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा तो उसमें आपका प्रवेश होता है। तो जब कोई प्रवेश होता है किसी साझेदार का, तो उसमें ही बेटा कमी क्या होती है, क्यों प्रवेश लिया जाता है, नया पार्टनर क्यों आता है, क्या कारण है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ का जो इंक्लूड करते हैं, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के प्रकार, साझेदार का प्रवेश, नया लाभ अनुपात, त्याग अनुपात, ख्याति का आशय, प्रभावित करने वाले घटक,
ख्याति मूल्यांकन की आवश्यकता, विधियां, संचित लाभों एवं हानियों का समायोजन, ठीक है, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों का पुनर्निर्धारण, पूंजी का समायोजन, वर्तमान शेयरधारक के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो बेटा ये जितनी भी चीजें दी गई हैं ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, ठीक है। और अगर इन टॉपिक को आपने ध्यान दिया इसमें आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कैसे? देखिए, जब प्रवेश करता है, पुनर्गठन होता है, तो ऐसे कंडीशन में सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग का अनुपात, ठीक है, लाभ प्राप्ति का अनुपात, इनका अर्थ क्या होता है या इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या आपके जो प्रवेश हो रहा है उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या समस्याएं हैं। जब कोई साझेदार प्रवेश होता है तो उस समय होने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर बतानी पड़ सकती हैं लिखकर। तो ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है वो आपके रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप का रिवैल्यूएशन किया जाता है जब कोई साझेदार प्रवेश होता है तो ऐसे कंडीशन में रिवैल्यूएशन करते हैं, वहां पर संपत्तियों का रिवैल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक, इसके साथ साथ में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसमें कई केस आते हैं, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना। तो बेटा ये सारे पोर्शंस एडमिशन के हैं, चेंज इन प्रॉफिट के, ये सारी चीजें आपकी प्रवेश के समय होती हैं। तो ये आपका पहला पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद आपका दूसरा पार्ट आता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, और वो सारे टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट हैं। हर टॉपिक आपका अपना एक बेस है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपका आता है शेयर्स, ठीक है। तो बेटा कंपनी की अंश, पूंजी, अंश, ठीक है ना, इसमें आपका कंपनी खाते एवं वित्त विवरण का विश्लेषण, यह आपका सेकंड पार्ट दिया गया है जिसमें आपके कंपनी की अंश पूंजी, कंपनी का आशय, विशेषताएं, प्रकार, ये बेटा थ्योरी का पोर्शन होता है, ठीक है। इस पे आप लिख कर तैयार कर सकते हैं और छोटे छोटे वर्ड्स को भी ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ आपकी अंश पूंजी, अंश, आशय, वर्गीकरण, अंशों का श्रेणीयन, प्राकृतिक अंशों का निर्गमन और अंशों का हरण, ये बेटा आपका जो कुछ टॉपिक दिया गया है वो आपके थ्योरी का भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा तैयार होता है कि जब अंश इशू किया जाता है, निर्गमित किया जाता है पब्लिक को, तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है और उन एंट्रीज में आपके फॉरफीचर, रीइशू, ये सारे केस उसमें आ जाते हैं। तो बेटा जब आप इनको पढ़ेंगे तो उनमें सारी चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है। जितनी भी चीज आपको बता रहा हूं वो आपको उस चैप्टर को पढ़ने पर ही पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिया है कंपनी की वित्त विवरण, इसमें अर्थ, प्राकृतिक उद्देश्य, प्रकार, उपयोगिता, महत्व और सीमाएं, ये बेटा सारे थ्योरी के पोर्शंस होते हैं, ये सारे थ्योरी लिखकर ही आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वित्त विवरण का विश्लेषण, इसमें आपको तात्पर्य, महत्व, उद्देश्य, टेक्निकें और ये आपका तुलनात्मक विवरण, समरूप विवरण, प्राकृतिक विश्लेषण और ये वित्त विश्लेषण की सीमाएं। देखिए ये जो पोर्शंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके थ्योरी के हैं, ठीक, और खास तौर से तुलनात्मक विवरण, समरूप विवरण और वित्त विश्लेषण, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कैश प्रवाह विवरण, कैश फ्लो, ठीक है। तो बेटा ये आपको जो दिया गया है ये उद्देश्य, लाभ, रोकड़ प्रवाह की गणना करना, देखिए ये तो थ्योरी का पोर्शन हो गया आपका, और ये जितना दिया गया है ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो बेटा ये आपका सिलेबस सीपी बोर्ड का है जो आपका सिलेबस 2022 और 23 के कोर्स में आएगा। अच्छा, अब जो कोर्स में नहीं आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं जिसमें आपको लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसमें आपके लिए जो 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, देखिए रिटायरमेंट पार्टनर का, साझेदार का रिटायरमेंट या डेथ, देखिए सेवानिवृत्त और मृत्यु, ठीक है, और फर्म का विघटन, ये तीनों टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं जो आएंगे ही नहीं, इस पर आपका एफर्ट करना, मेहनत करना बेकार है, ठीक है।
और इसके साथ डिवेंचर्स दिया गया है, ऋण पत्रों का डिवेंचर का टॉपिक जो दिया गया है इस पर भी फोकस मत करिएगा बेटा, क्योंकि ये सिलेबस में अब नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको आपका सिलेबस मिल चुका है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको सिलेबस मिल चुका है और इसी सिलेबस को लेकर आप अपने जोर शोर से इट मीन कि आप अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे टीचर की हेल्प से आप अपने कोर्स को तैयार करिए और एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करिए। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सिलेबस से पूरा फोकस करेंगे और फोकस करेंगे प्लस मेहनत भी करेंगे। ठीक है, और हमारे टेस्ट में बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारा लिंक शेयर करते रहिए जिससे वो हमारे साथ में लगे और मैं आप लोग की मदद कर सकूँ।